भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर की सेहत खराब बताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम पार्टी का था जिसमें सांसद प्रज्ञा ठाकुर भाग ले रही थी। प्रज्ञा ठाकुर की सेहत पहले भी खराब हो चुकी है, उन्हें लंबे वक्त तक अस्पताल में भी रहना पड़ा था। ये तस्वीरें भी आपको हम उस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं जहां पर वो अचानक बेहोश हो गई। रवीश पाल सिंह जुड़ गए हैं सीधे भोपाल से और जानकारी के साथ। रवीश, क्या ये कार्यक्रम था, कैसी तबीयत है अभी? देखिए, आपको बता दें मीनाक्षी की आपको बता दें कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में आज एक प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया था भाजपा कार्यालय में, जहां पे बतौर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची थी। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था देश में कोरोना की वजह से, उससे पहले से ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दिल्ली में इलाज चल रहा था, और जब अनलॉक की शुरुआत हुई 1 जून से, तो उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वापस भोपाल आती है, क्योंकि दवाइयों का उनका जो है बेहद हाई डोज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी आंख के पीछे, रेटिना के पीछे जो इन्फेक्शन है उसे खत्म करने के लिए जो हाई डोज चल रहा है दवाइयों का, उसकी वजह से आज उन्हें जो है अचानक से चक्कर जैसा महसूस हुआ, सफोकेशन उन्हें काफी ज्यादा हुआ भाजपा कार्यालय में, जहां पे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और उसके बाद जब उन्हें शिकायत हुई, उन्होंने अपने जो पास में खड़े उनके कार्यकर्ता होते हैं भाजपा के, जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ होता है, उनसे कहा कि वो ज्यादा देर अब खड़ी नहीं रह पाएंगे, और अचानक से जो, क्योंकि जब भी वो खड़ी होती है तो उनके पीछे कुर्सी रखी जाती है, क्योंकि उन्हें रीढ़ की हड्डी में भी एक समस्या है जिसकी वजह से उन्हें बैठना भी होता है, और इसीलिए वो तुरंत उस कुर्सी पे बैठी। वहां उनको पानी पिलाया गया, पूरी हवा आने का रास्ता दिया गया, और उसके बाद अब उन्हें लेकर के बताया जा रहा है कि जो उनका घर है भोपाल के दिवेरा टाउन स्थित, वहां उन्हें ले जाया गया है, जहां पर फिलहाल डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच करने के बाद वो चल जाएगी। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है उनके स्टाफ के लोगों से, उनका कहना है कि तबीयत ठीक है, क्योंकि हाई डोज की वजह से अक्सर वो कोशिश करती है कि कार्यक्रमों में ना जाए। कार्यक्रम था और उसमें उनका जाना जरूरी था, लेकिन अब स्थिति पहले बेहतर बनी हुई है, और आश्रम जो उनका घर भोपाल के रिवेरा टाउन में है, वहां उन्हें पहुंचा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी जहां पर बेहोश हो गई, अब अस्पताल में ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से तबीयत उनकी खराब ही है, और यही वजह है कि वो कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करती हैं, लेकिन आज जब भोपाल के कार्यक्रम में वो पहुंची तो उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। बात अब चीन से तनाव की। आर्मी चीफ आज लद्दाख जा रहे हैं और उनका लद्दाख दौरा 2 दिन का है। दौरे पर आर्मी चीफ गलवान में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात करेंगे और LAC पर तैयारियों का जायजा लेंगे। चीन से बातचीत पर भी जानकारी लेंगे। लौटते वक्त वो श्रीनगर जाएंगे, आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी लेंगे, और इससे पहले पिछले हफ्ते बुधवार को एयर चीफ मार्शल लद्दाख गए थे, और आज की ये जो उनका दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। ले के 2 दिन के दौरे पर आर्मी चीफ पहुंच रहे हैं और वहां पर हालात का जायजा लेंगे। ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा की पहचान पुरी की रथ यात्रा कोरोना संकट के दौर में भी नहीं थमी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की इजाजत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ, और आज सुबह से ही यात्रा से जुड़े अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी और उधर जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ पूरी गूंज उठा। सेवादारों ने तीनों रथ खींचकर मुख्य मंदिर तक पहुंचाए और रथ यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा के ठीक 1 दिन पहले हुई सुनवाई में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर कोरोना संक्रमण के चलते लगी रोक हटा ली, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। यानी आज भी हर साल की तरह पुरी में रथ यात्रा निकलेगी, लेकिन नजारा बेहद अलग होगा। न पहले जैसी भीड़ होगी, न ही दूसरी जगहों से पुरी में भक्तों की आवाजाही। यही परिस्थिति रे महाप्रभु को रथ यात्रा पालन करिबा निश्चित भाव रे एक चैलेंज। कोविड परिस्थिति रे रथ यात्रा रु निलाद्री विजय पर्यंत अति सावधान रह करिबा को हेबो। कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी हैं, जिन्हें राज्य सरकार को हर हाल में पूरा करना होगा। रथ यात्रा के दौरान पुरी में प्रवेश की सभी जगहें बंद होंगी।
तीनों रथ को खींचने के लिए 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। रथ खींचने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। तीनों रथों के बीच एक एक घंटे का अंतर रखा जाए। यात्रा और अनुष्ठान में शामिल होने वालों की संख्या न्यूनतम रहे। यात्रा में शामिल होने वाले हर शख्स का पूरा ब्यौरा रखा जाए। रथ यात्रा का टीवी पर सीधे प्रसारण का इंतजाम किया जाए। सारे नियम कायदे कोरोना को ध्यान में रखते हुए तय हुए हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ में लोगों की आस्था देखिए। इनका कहना है कि रथ यात्रा के बाद सारा संकट दूर हो जाएगा। देखिए, पुलिस की तरफ से हम लोग शुरू से ही तैयार थे। हमारा पुलिस का जो अरेंजमेंट होता है फेज वाइज, वो देवास्नान पूर्णिमा की तरफ से ही शुरू हो जाता है। तो पुलिस की तरफ से तैयारी हम लोगों ने फोर्स का मोबिलाइजेशन, ऑफिसर का मोबिलाइजेशन जितना होना चाहिए वो हम करके रखे हैं। और चूँकि आज जो निर्देश आया, निर्देश आने के बाद हमारा जो भी ऑफिसर्स एंड मैन आए हुए थे उनको डिप्लॉयमेंट हम लोग करने के प्लान कर रहे थे। कोर्ट के आदेश के तहत सोमवार रात 9 बजे से ही पूरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो बुधवार दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और इसको विज्ञान नहीं पाया और विकास देश दिल भी हार गया, देश भी हार गया। और हमारा जो जब मैंने हमारा आदमी जब आशा छोड़ देते हैं, ये भगवान का भरोसा करते हैं, इसीलिए हमारा वही विश्वास है जब भगवान रथ यात्रा में आ जाएंगे और वरदान में निकल के जनकपुर जाएंगे, भगवान आने से बाद ये भूतानु आस्ते आस्ते लोप हो जाएंगे। ये अदृश्य भूतान को, ये अदृश्य शक्ति भगवान आकर इसको लिस्ट लोप कर देंगे। रथ यात्रा को लेकर तड़के मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। इंतजाम पुख्ता है कि आस्था की यात्रा में कोरोना के नापाक कदम न पड़ सके। भुवनेश्वर से सूफियान और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर के महिला शेल्टर होम को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। 57 लड़कियां यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 7 लड़कियां गर्भवती पाई गई, जिसने पूरे सूबे में हड़कंप मचा दिया। कानपुर के राष्ट्रीय महिला शरणालय यानी शेल्टर होम के अंदर की इन चार दीवारी से निकले कोरोना विस्फोट ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। अनाथ लड़कियों के साथ लापरवाही और अपराध का ऐसा गंदा खेल सामने आया है, जिसने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला शेल्टर होम में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव निकली हैं, वहीं एक स्टाफ को भी कोरोना हुआ है। इतना ही नहीं, कोरोना जांच के दौरान पता चला कि 7 लड़कियां गर्भवती भी हैं, जिनमें 5 कोरोना पॉजिटिव हैं। गर्भवती लड़कियों में 2 नाबालिग हैं, वहीं 2 लड़कियां 8 महीने से ज्यादा की गर्भवती हैं, जिन्हें जच्चा बच्चा के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इतना ही नहीं, इनमें एक लड़की HIV पॉजिटिव भी पाई गई हैं। कोरोना विस्फोट होने के बाद शेल्टर होम को सील कर दिया गया है, बाकी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिकॉर्ड से या जो मेडिकल रिकॉर्ड से, वो वहाँ का रेस्क्यू होम में वो डेटा मेंटेन किया जाता है, और वहाँ पे जो रेस्क्यू होम है इस वक्त वो सील्ड है, कोरोना की वजह से सील्ड है, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है ना पुलिस को ना प्रशासन को, तुरंत सूचना आप लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने शेल्टर होम में किसी भी तरह से शारीरिक शोषण की बात से इनकार किया है। DM का कहना है कि जिन जिलों से बच्चियां आई हैं, वहां इनके शारीरिक शोषण के केस पहले से चल रहे हैं। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में COVID-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। महिला शेल्टर होम में हुए इस खुलासे ने पूरे सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मामले की तुलना
मुजफ्फरपुर और देवरिया के शेल्टर होम कांड से की। वहीं अखिलेश यादव ने भी मामले की जांच की मांग की है। योगी जी ने उस पर क्या कार्रवाई की ये बताने के बजाय आप एक घटिया सी दलील सामने लेके आ गए कि साहब वो तो बाहर से ही जो बच्चियां आई थी वो गर्भवती थी, तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही दूसरे जिलों में लेकिन 7 नाबालिग बच्चियों का रेप हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी और उनको वहां बाल संरक्षण गृह में रखा गया, उस पर कार्रवाई क्या हुई ये बताइए ना। अगर कभी कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो और उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा हो तो ये विषय बनता है। कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया ये कोई विषय नहीं है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ हम सब लोग, पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश संघर्ष कर रहा है, उस चुनौती का सामना करना कर रहा है और कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति करना है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए और जो भी सच है, जो भी तथ्य है, जो सच है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि ये एक ऐसी घटना है जिससे समाज का और खासकर उत्तर प्रदेश के इतिहास पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मीडिया में खबर आने के बाद NHRC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और DGP को नोटिस भेजा है। वहीं राज्य महिला आयोग ने DM से रिपोर्ट मांगी है। मामला गंभीर है और खुलासे के बाद सवालों के घेरे में शेल्टर होम है। आखिर कोरोना के बीच ऐसी लापरवाही कैसे हुई? कैसे शेल्टर होम के अंदर लड़कियां गर्भवती हुईं? क्या शेल्टर होम में लड़कियों का शारीरिक शोषण हो रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। कानपुर से रंजय सिंह, लखनऊ से नीलांशु शुक्ला और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के दो दोस्तों ने ठान लिया है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाने देंगे और ये लोग अब तक ऐसे 300 कोरोना मरीजों को सिलेंडर बांट चुके हैं जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पाए थे। सिलेंडर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक ने अपनी कार तक बेच दी। मेरे एक रिश्तेदार के साथ में हादसा हुआ था, वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और उनको सांस की शिकायत थी लेकिन कोरोना के चलते हुए हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं थे। वो कई हॉस्पिटल्स में मुमरा में भटकते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, आखिर में कालचक्र हॉस्पिटल के यहाँ पे उनका 2 से 3 घंटे तक के वो रिक्वेस्ट करते रहे उनके हस्बैंड और गिड़गिड़ाते रहे पर उनको एडमिशन नहीं मिला और आखिर में उन्होंने अस्पताल के गेट पे ही अपनी जान दे दी। अब्बास की भाभी कोरोना पॉजिटिव थी। इस दिन के बाद से अब्बास ने फैसला किया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि सिलेंडर की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। अब वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर लोगों को फ्री सिलेंडर बांटते हैं। देखिए, शर्तें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का हम लोग रिकमेंडेशन ले रहे हैं कि डॉक्टर लिख के दे हमारे पास आके आप सिलेंडर लेके जाइए और दूसरी चीज हम लोग चार्जेस कोई कुछ भी नहीं ले रहे हैं, 24-48 घंटे के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब्बास के दोस्त ने तो सिलेंडरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी कार तक बेच दी। हमको डिमांड्स बढ़ने लगी बहुत सारी, आखिर में फिर शाहनवाज भाई ने अपनी गाड़ी बेच दी और मतलब 30 जंबो सिलेंडर्स का और इंतजाम किया। शाहनवाज और अब्बास मिलकर यूनिटी एंड डिग्निटी नाम की NGO चलाते हैं। अब तक 300 मरीजों की इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जान बचाई है। मैं हॉस्पिटल लेके गया था, मैं 5 से 6 हॉस्पिटल में लेके गया, चेकअप कराया तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा जैसे यूनिटी डिग्निटी फाउंडेशन है तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए मुंबई की कई सोसाइटीज ने भी अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। LAC पर चीन की कारगुजारी को देखते हुए भारत ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। लड़ाकू विमानों की तैनाती और वायुसेना अध्यक्ष के दौरे के बाद आज आर्मी चीफ भी लेह जा रहे हैं। आर्मी चीफ कोर कमांडर लेवल की बैठक का अपडेट लेंगे, हालात का जायजा लेंगे। असल मकसद तो उस गुस्ताख चीन को सख्त संदेश देना भी है जो सीनाजोरी पर उतर आया है। तो इससे पहले एयर चीफ मार्शल ने लेह का दौरा किया था और अब आर्मी चीफ पहुंच रहे हैं लेह। आज दोपहर बाद तक वो लेह पहुंचेंगे और इसके बाद 2 दिन का उनका ये अहम दौरा होगा। हालांकि LAC के साथ साथ LOC यानी पाकिस्तान की तरफ से लगने वाली सीमा का भी वो दौरा करेंगे, इस बात की जानकारी है। आपको बता दें कि बीते एक महीने का ही अगर जिक्र किया जाए यानी जून के महीने का ही, तो अब तक 30 आतंकवादी सेना के ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं।
हर साल वो करते थे उस एरिया में डिप्लॉय एंड एक्सरसाइज, उससे इस बार ज़्यादा है। एंड जब ये एक्टिविटी एलएसी पे मे के बाद बढ़ी तो उसमें और चेंजेस आए, बढ़ाव आए, एंड वो सब हमने मॉनिटर किया है, तो उसी के अनुसार हमने अपने भी एक्शन लिए। वायुसेना अध्यक्ष की इस दहाड़ पर सख्ते में आए चीन की चाल और सीधी करने आर्मी चीफ लेह कूच कर रहे हैं, जहां चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी है। खबर है कि आर्मी चीफ एम नरवणे दो दिनों के दौरे पर आज ले जा रहे हैं। आर्मी चीफ हालात का जायजा लेंगे, घायल जवानों से मुलाकात करेंगे, चीन से चल रही कमांडर स्तर की बातचीत पर अपडेट लेंगे। पिछले हफ्ते ए चीफ का लेह और श्रीनगर दौरा तैयारियों का जायजा लेने के लिए था। अब जब आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे लेह पहुंच रहे हैं तो तैयारियों के जायजे के लिए भी और ये देखने के लिए भी कि हम तनाव को दूर करने के हिसाब से किस स्थिति में इस वक्त है। भारत कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा है, या तो हमारी तैनाती से जुड़ी हुई बात हो या फिर बातचीत को लेकर तनाव दूर करने की। आर्मी चीफ का ले जाना चीन को सख्त संदेश है कि वो सही रास्ते पर आ जाए, वरना उसका इस बार ठीक से हिसाब किताब होगा। चीन को लगातार समझाने की कोशिश हो रही है कि वो अवैध कब्जे वाले हिस्से से पीछे हट जाए। सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों ने 11 घंटे लंबी मीटिंग की। ये मीटिंग चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई। बैठक के लिए आग्रह चीन की सेना ने किया था। सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक देर रात खत्म हुई। भारत की तरफ से टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बैठक में शामिल हुए। बैठक में भारत ने एलएसी पर पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। चीन की सेना को 5 मई से पहले की स्थिति पर लौटने को कहा गया। भारत ने चीन को एलएसी के पास बनाए गए सभी बिल्डअप खत्म करने को कहा है। हालांकि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। चीन की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर नजर है। चीनी सेना एलएसी पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है। हिंदुस्तान की सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई है। चीन ने भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा पैंगोंग त्सो झील पर खोला है, जहां फिंगर फोर पर चीन की धूर्त सेना डेरा डाले है, जिसके सामने भारत के जांबाज सैनिक डटे हैं। भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को एक इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। एलएसी पर हमारी वायुसेना की जबरदस्त चौकसी है, मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती है, और अब आर्मी ने भी मोर्चाबंदी और मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। श्रीनगर से शुजाउल हक और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ लद्दाख से गौरव सावंत आज तक। इस वक्त हमारे सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, कितना महत्वपूर्ण है आज का सेना अध्यक्ष का ये दौरा और क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, मुलाकात वो करेंगे यहाँ पर कोर कमांडर से और डिविजनल कमांडर से, क्योंकि लगातार जो बातचीत चल रही है वो यही दो अधिकारी मुख्य तौर पर चीन की तरफ से बातचीत कर रहे हैं। कल लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की तरफ से बातचीत हुई थी चीनी मेजर जनरल के साथ, और उससे पहले जो मेजर जनरल बापत हैं यहाँ पर, उनकी बातचीत चल रही थी। तो लगातार भारत ने उस क्रम को टूटने नहीं दिया है। ये जो दो अधिकारी हैं वो एक आधिकारिक ब्रीफिंग करेंगे आज जब आर्मी चीफ जनरल नरवणे यहाँ पर पहुँचेंगे दोपहर के आसपास, और इसके साथ ही जनरल नरवणे मुलाकात करने वाले हैं लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, हॉल ऑफ फेम पर जाने वाले हैं दोनों। जो हमारे घायल सैनिक हैं जो उस झड़प में, गलवान घाटी में जो झड़प उस दिन हुई थी उसमें घायल हो गए थे, उनका हालचाल भी जनरल नरवणे लेंगे। जिस तरीके से भारत ने अभी तक इस पूरे स्टैंड ऑफ को अप्रोच किया है नेहा, जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने देखा एयर चीफ मार्शल को यहाँ पर आते हुए और अब हम आर्मी चीफ को यहाँ पर पहुँचते हुए देख रहे हैं, ये अहम इस हिसाब से हो जाता है कि भारत का रुख नंबर वन स्पष्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रूप्स को पूरी तरीके से पता रहता है कि अगर आपको सरकार की तरफ से इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि आपके हाथ खुले हैं, आप हथियारों का, गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो
उसके साथ, क्योंकि उनका जो आदेश है वो जनरल आर्मी चीफ के स्तर से नीचे उस तरीके से आता है, तो वो देख रहे हैं कि उनका जो 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 सर्वोच्च अधिकारी है वो यहाँ पर उनके साथ उनके मोर्चे पर पहुंच रहा है। ये अपने सैनिकों को एक बहुत कड़ा संदेश है, लेकिन मुझे लगता है इसमें चीन भी बहुत बड़ा संदेश पढ़ेगा। चीन इसमें देखेगा कि अच्छा, भारत जरा सी भी कोताही नहीं बरत रहा है और इस बार चीन पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर भी मात देने की तैयारी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक में लड़ाकू विमानों के कलपुर्जे की सप्लाई और S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर बात होगी। मॉस्को में मौजूदगी तो चीन की भी है, लेकिन राजनाथ सिंह चीन के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। दशकों पुरानी दोस्ती का दम आज फिर देखेगी दुनिया। भारत और रूस रिश्तों को देंगे मजबूती, बौखलाएगा चीन। तनातनी के बीच चीन को तिल मिलाने वाला कूटनीतिक दांव। यूं तो ये जवानों की कदम ताल है, लेकिन इन बढ़ते कदमों से ही भारत रूस के कूटनीतिक रिश्तों को रफ्तार दी जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत पर मॉस्को में जश्न हो रहा है और विक्ट्री परेड में भारत की सेना भी शामिल हो रही है। जीत की ये परेड तो बस बुनियाद है, कोशिश है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए रूस से पुराने रिश्तों को मजबूती देने की और चीन को अलग थलग करने की। राजनाथ सिंह रूसी नेतृत्व के बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। भारत रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और बैठक में खरीद से जुड़े मुद्दों पर फोकस होगा। खबर है कि भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी की मांग करेगा। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। सुखोई 30 MKI MiG-29 T-90 टैंक के पार्ट्स की अर्जेंट सप्लाई पर बात होगी। पहले पार्ट्स की सप्लाई समंदर के रास्ते होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सप्लाई अटक गई। भारत चाहता है कि अटके पड़े पार्ट्स की सप्लाई हवाई जहाज के जरिए जल्द हो जाए। हम ऐसी अड़चनों के बीच गुजरे हैं तो रूस ने हमें रास्ता दिखाया है और आपस के देशों को भी रास्ता दिखाया है, लेकिन एक और उद्देश्य हो सकता है राजनाथ सिंह जी के जाने का, वो ये है कि हमने कुछ नए जहाज उनसे मांगे हैं और जहाजों के पुर्जे मांगे हैं जिनको जल्दी से लाने की भारत में आवश्यकता है। भारत के लिए बैठक बेहद अहम है, क्योंकि चीन LAC पर आंखें दिखा रहा है और हालात बिगड़े तो वायुसेना की मोर्चाबंदी सबसे अहम हो जाएगी। लेह लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वायुसेना का रोल मायने रखेगा, इसलिए चीन की चालबाजी सामने आते ही लेह में सबसे पहले लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई। इट शुड बी वेरी क्लियर दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड सूटेबली डिप्लॉयड टू रिस्पॉन्ड टू एनी कंटिजेंसी। आई एश्योर द नेशन दैट वी आर डिटरमिंड टू डिलीवर एंड विल नेवर लेट द सैक्रिफाइस ऑफ अ ब्रेव्स ऑफ गलवान गो इन वेन। 3 दिन के इस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूसी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच चीन पर तो चर्चा होगी, लेकिन चीन के नेताओं से राजनाथ मुलाकात नहीं करेंगे ताकि उन्हें साफ संदेश जाए कि भारत गलवान घाटी में उनकी हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभिषेक भल्ला और गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। ये 1962 का भारत नहीं है, चीन भी यही जानता है कि 58 साल में गलवान नदी का काफी पानी बह चुका है। हर हिमाकत का अब मुंहतोड़ जवाब उसे भारत की ओर से मिलेगा। 1962 में चीन ने दोस्त बनकर दगाबाजी की, हम तैयार नहीं थे लेकिन जमकर लड़े। देखिए 62 की कहानी जाबाजों की जुबानी। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, वक्त बदल गया है, अब 2020 का भारत है। मजबूत भारत जो चुनौतियों से निपटना भी जानता है,
मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। चीन बार बार 1962 की याद दिला रहा था, चीनी मीडिया बार बार 1962 की बात कर रहा था, लेकिन गलवान में भारतीय जवानों का शौर्य देखकर चीन को भी समझ आ गया। 58 साल बहुत होता है। 1962 में हमने धोखा खाया, हमने दोस्ती निभाई, चीन ने दगाबाजी की। तब आजादी मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, देश निर्माण की ओर बढ़ रहा था, चीन कभी खतरा नहीं लगा, पर चीन ने पीठ में छुरा घोंपा, तब देश तमाम खामियों के बाद भी जमकर लड़ा। आखिर उस वक्त कैसे हालात थे, कैसे लड़ी गई ये लड़ाई, हमने उन्हीं से जाना जिन्होंने इस जंग को करीब से देखा, खुद जांबाजी दिखाई। प्लेन से जो आते थे, आप लोग तो लद्दाख के थे तो आप लोग को तो आदत थी इस ठंड की, लेकिन वो जो आते थे उनके लिए क्या ये काफी था उस ठंड से लड़ने के लिए? उनके लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि वहाँ पठानकोट से डायरेक्ट डीबीओ वहाँ उतार के चलना है फिरने में, फिर भी वो लोग ने इतना हेगमत बोला जहाज रेजिमेंट ने, हमने 24 घंटा रुकेगा। उसके बाद वो ठंड था, बेचारियों का हाथ जो, क्योंकि मोटर MMG सब ठंड है तो हाथ सबके अंगुली सड़ गया, इसलिए भी पूरा पीछे हारना पड़ा उस टाइम। अभी तो सब कुछ है ना, हथियार मोटर हर एक चीज हैवी है ना। बहादुरी तो उस टाइम भी बिता, मगर हथियार जो कमजोर, एक छोटा सा वो 3x3 बोलता रफल, एक फेर कर दिया फिर लौट करते रहो, बहुत टाइम करते। तब ना तो बर्फीले पहाड़ों पर लड़ने की तैयारी थी, ना हथियार थे और ना ही सुविधाएं, लेकिन जोश था, देश के लिए मर मिटने का जज्बा था। चाइना क्या लेकर आता था, कैसी बंदूक? चाइना तो ऑटोमेटिक उनके पास होता ही सब, उनका पॉपुलेशन बहुत होता है फौजी, क्योंकि हमारा हाथियार भी अच्छा अच्छा है, रोड भी पहुंचा हुआ है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त तो हम 21-22 दिन चलना पड़ता है, जिनक जहाँ घास हो वहाँ घोड़ा कोशिश देना पड़ता है, तभी फिर जीवी में बड़े मुश्किल से पहुँचता सर। उस टाइम से चाइनीज घोड़ों पर आ जाते थे, लेकिन हमारे सैनिकों को पैदल चलना पड़ता, उसकी गाड़ी भी वहाँ जीवो में पहुँचा उनका, ये जो बीकान का रंग जो जैसा गाड़ी होता उनका, वो पहुंचा सब डीबीओ में। उस जमाने में भी उनके पास डीबीओ तक की सड़क थी, डीबीओ में गाड़ी पहुंचा है। अच्छा। हाँ सर, लेकिन अब हमारे पास भी है, अब तो हमारे पास तो डीबीओ तक जो गाड़ी जाता है। 1962 के युद्ध में भारत अकेला पड़ गया, न रूस का साथ मिला न ही अमेरिका का, हालात बड़े नाजुक थे। अभी तो हम इसको ऐसा जवाब दे सकता है, उसको याद भी नहीं करेगा, 25 साल पीछे साल उसको करना है, पीछे भगाना है। अभी हमारे पास इतना हथियार है, हम डरने में क्या है, कोई डर नहीं सकता है। अभी हमारे पास उसको अंग भी नहीं उठा सकेगा, उस टाइम तो क्या था, खुला था, इतना डिफेंस नहीं थे। सवाल ये है कि 1962 के मुकाबले हम अब कहाँ हैं? जाहिर है पहले से काफी मजबूत हैं, सेना भी बड़ी है, आधुनिक हथियारों से लैस भी है, जमीन से आसमान समुद्र से पाताल तक लड़ने की क्षमता है, बर्फीले पहाड़ों पर जांबाज योद्धा तैनात हैं, देश के पास सख्त नेतृत्व है, दुनिया में साख है, बड़े देशों का साथ है। चीन भी जानता है कि वो गीदड़ भपकी तो दे सकता है, लेकिन दो दो हाथ नहीं कर सकता। लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ LAC पर चीन से सामना है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में उस पर सियासत की जा रही। राहुल गांधी ने आज फिर चीन के मुद्दे पर सरकार को ट्वीट के जरिए घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ये पूछा कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी को जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी मुश्किल समय में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं। बॉर्डर से लेकर विश्व बिरादरी के बीच चीन को सबक सिखाने की शुरुआत भारत कर चुका है। चीन पर इससे भी बड़ा वार होने वाला है। चीन जिस बाजार के दम पर हिमाकत कर रहा है, उसे उसी के बाजार से बाहर करने की शुरुआत हिंदुस्तान में हो चुकी।
बॉर्डर पर भारतीय सेना के खुल गए हाथ, मजबूर किया तो चीन को गोली से मिलेगा जवाब। विश्व बिरादरी के बीच चीन होगा बेनकाब। चीन पर इससे भी भयंकर होगा तीसरा प्रहार। चीन के अरबों डॉलर के व्यापार का बहिष्कार। देश ने ठान लिया है कि अब ये नहीं होगा कि चीन हमारे ही पैसों से हथियार बनाए और हमारे ही जवानों को शहादत देनी पड़े। 135 करोड़ की आबादी वाले भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन को आर्थिक तौर पर तोड़कर ही दम लेगा। देश के कारोबारियों ने मुहिम तेज कर दी है कि वो मेड इन चाइना सामान न खरीदेंगे और न ही ग्राहकों को बेचेंगे। भारत माता की। चीन के करतूतों की वजह से चीन के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा है और अपनी अपनी तरह से उनसे बदला लेना चाहते हैं। ये जयपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी जयपुर व्यापार मंडल के, जो कि तय किया है जिन्होंने कि चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीन के सामान नहीं बेचेंगे और न ही किसी को बेचने देंगे। आज के दिन हमने जयपुर के लोगों को, नहीं राजस्थान के लोगों, नहीं पूरे देश के लोगों को जयपुर से आह्वान किया है कि इस चीन के सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि दुश्मन के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो वो हमारे फौजियों को मारेगा। दरअसल भारत में चीन से आने वाले सामान में करीब 60% सामान गैर जरूरी होते हैं, उनके बिना भी भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी तरफ उन पैसों से चीन को मालामाल होने से रोका जा सकेगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कारोबारियों का मानना है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस दिशा में देश आगे बढ़े तो चीन से हिमाकत की कीमत वसूली जा सकती है। हम 135 करोड़ लोगों का एक समूह, एक देश है जिसके इतने लोग बेरोजगार हो जाए क्योंकि सस्ता माल लाने से, तो आज न कल न कभी तो समझना पड़ेगा हमको कि हम सस्ता माल छोड़ें। देश के कारोबारी मेड इन चाइना बहिष्कार दो कदम आगे बढ़कर कर रहे हैं। अब चीन के बहिष्कार का मैसेज भारत में बने सामान पर दर्ज किया जा रहा है। नए नए तरीकों से चीन को सबक सिखाने की शुरुआत हो चुकी है। इस मुहिम का साथ अब लोग खुल कर दे रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी फैलने के बाद मास्क पहनना अब अनिवार्य हो गया है, तो मास्क पर ही इन्होंने देखिए बायकॉट मेड इन चाइना का जो है वो स्लोगन लिखवाए है, यानी कि लोग जो है इस दुकान से मास्क खरीद सकते हैं अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। लेकिन साथ ही में चीन के खिलाफ एक संदेश भी है। चार दिन पहले जो चाइना ने हरकत किया हमारे बॉर्डर पे, जवानों को शहीद किया है और हमारे जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन जो हरकत हुई है चाइना के एंड से, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हमारे हिंदुस्तान के सर पे चलती है ज्यादातर, तो हम वो देखते हुए हमारे दिल में भी बहुत आक्रोश है, हमारे गुस्सा है। रातों रात चीन के सामान का इस्तेमाल बंद कर देना या उनकी खरीद बिक्री संभव नहीं, लेकिन कारोबारी हों या आम लोग, उनकी कोशिश ये है कि वो चीन के सामान का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर दें। इसकी मिसाल कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर सूरत ने कायम की है। यहाँ के एक कारोबारी 10 साल पहले जहाँ 5 करोड़ मीटर चाइना सिल्क मंगवाया करते थे, वहीं आज उन्होंने इसे धीरे धीरे कम करते हुए 10 लाख मीटर कर दिया है। चाइना सिल्क की जगह अब देश में उससे सस्ता और अच्छा सिल्क बन रहा है। जब स्टार्ट किए थे उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 लाख मीटर कपड़ा बनता होगा, अभी मिनिमम तो कम से कम 10 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है, जो नेचुरल फैब्रिक्स विस्कोस बेम्बर में जो हम लोग प्योर सिल्क के सामने जो हमने दिया, और जो प्योर सिल्क से अच्छा है रेट वाइज उससे भी आधा से कम है। इस बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने भी चीनी उत्पाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कन्फेडरेशन ने बायकॉट के लिए 500 चीनी उत्पादों की सूची जारी की है। इसका मकसद दिसंबर 2021 तक चीन के सामान का 13 अरब डॉलर का आयात कम करना है। CAIT ने कई फिल्मी हस्तियों और खेल जगत के सितारों से अपील की है कि वो चीनी उत्पादों का विज्ञापन करना बंद कर दें।
सरहद पर चीन को हमारे जवानों ने सबक सिखाया है और आगे भी मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। अब चीन के खिलाफ कारोबार युद्ध में देश के कारोबारी और आम हिंदुस्तानियों ने मोर्चा संभाला है। बाजार पर बड़ी चोट लगी तो चीन तिल मिला जाएगा। जयपुर में शरद कुमार, जम्मू में सुनील जी भट्ट और सूरत में संजय राठौड़ के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।